आज ही के दिन 1856 में क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इन्होंने 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। तिलक ने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा का संपादन किया। इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने लोगों में राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। 1906 में आज ही के दिन पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो इन्होंने उसमें सक्रिय योगदान दिया। धरना देते हुए पकड़े जाने पर इन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर घरे घाट की अदालत में पेश किया गया। यह रूसी क्रांतिकारी की कहानियों से प्रभावित थे। इन्हें वेश बदलना बहुत अच्छी तरह आता था। चंद्रशेखर आजाद ने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो गया। हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद के शहीद होने के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ। 1974 में आज ही के दिन ग्रीस में सैन्य शासन खत्म हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटिन कारमनालिस को दोबारा सत्ता संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। उनके स्वागत में राजधानी एथेंस के हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जुटी और पूरे शहर में जश्न का माहौल था। 1957 से 1963 तक कारमनालिस 8 वर्षों तक ग्रीस के प्रधानमंत्री रह चुके थे। 1960 में ग्रीस को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। 1963 में आखिरी बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, जिनमें उनकी पार्टी हार गई और अप्रैल 1967 से ग्रीस में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1974 में साइप्रस पर उठे संकट के चलते सैन्य शासन चरमरा गया। पहले ग्रीस ने साइप्रस पर कब्जा किया और फिर तुर्की ने उसे हटाकर साइप्रस पर हमला कर दिया। 1974 में एक जनमत संग्रह किया गया, जिसमें जनता ने राजशाही के खिलाफ और राष्ट्रपति शासन के हक में फैसला किया। आखिरकार कारमनालिस ने 1977 में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री चुने गए। 1983 में आज ही के दिन तमिल टाइगर्स और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। 26 सालों तक चले इस गृह युद्ध में 80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किए गए विद्रोह के तरीके के चलते संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत 32 देशों ने तमिल टाइगर्स को आतंकवादी संगठन करार दिया। सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार दिया गया। सेना के मुताबिक अंतिम लड़ाई में 250 विद्रोही मारे गए। 72,000 लोगों को युद्ध से प्रभावित इलाकों में अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2009 में 20 जनवरी और 7 मई के बीच 7,000 लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वहां युद्ध अपराधों की जांच की मांग की। 18 मई 2009 को श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोहियों के साथ चल रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। और आज एक दिन 2005 में मिस्र में 3 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 88 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। इनमें पहला धमाका पुराने बाजार में और बाकी 2 एक रिजॉर्ट में हुए थे। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने इन्हें मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने धमाकों वाले इलाकों का दौरा किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने की मंशा दोहराई। मारे गए लोगों में ज्यादातर मिस्र के रहने वाले थे। हालांकि इस हमले में कम से कम 20 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर थी।